होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास टैली साउंड के नाम से होम थिएटर आया है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है, इनकी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आवाज़ की ऑडियो के साथ भड़ा भड़ा की आवाज़ आ रही है। मैं आपको सुनवा देता हूँ किस प्रकार से भड़ा भड़ा कर रहा है इसका। इस प्रकार से मैं इसमें ऑडियो के साथ भड़ा भड़ा आ रही है, मैं ऑडियो को आपको चला के दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ऑडियो के साथ जो है भड़ा भड़ की आवाज़ आ रही है, काफ़ी देर चलने के बाद जो है इस टाइप से ये करने लगता है। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे, आप ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से। और ये इस तरीके का फॉल्ट मैं काफ़ी होम थिएटरों में निकाल चुका हूँ, और ये आपको ध्यान से देखना है कि ये किस प्रकार से होता है। इसे हम सारा कुछ चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। अब हमने ये ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई ठीक है नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेक करना सबसे पहला हमारा काम होता है, सप्लाई चेक करना। तो सप्लाई चेक करने के बाद हम चेक करेंगे। ये हमारे प्लस 14 वोल्ट बन रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये प्लस 14 वोल्ट हमारे जो बन रहे हैं। और हम माइनस देखेंगे तो हमारे माइनस भी हमारे बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारा 8 इंची के स्पीकर लगा हुआ है और हमारी ये दो आईसियाँ लगी हुई होती हैं, मगर ये ऑडियो बजती रहेंगी मगर इस तरीके की दिक्कत आती रहेगी। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ये दोनों आईसियाँ बदल देनी है, यानी कि हमारी बेस वाली जो आईसी हैं, बेस की आईसियाँ, उन दोनों आईसी को बदल देना है। ये दोनों आईसी बदलने के बाद ये फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस आईसी को बदलते हैं, इन आईसीओ को बदलते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। अब ये हमारी बेस पे दो आईसीओ लगी हुई हैं, हम दोनों आईसीओ को चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखें। और जब भी ऑडियो के साथ भड़क भड़क की आवाज़ आती है कुछ देर चलने के बाद, तो ये आईसीओ में ही दिक्कत होती है, जिसमें कस्टम भाई लोग देखते रहते हैं कि मान लो प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है। तो इसीलिए हम इन आईसीओ को दोनों को बदलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमने आईसी निकाली है और आईसी लगाएंगे, मगर आईसी आपको किस तरीके से लगानी है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको हीटसिंक पेस्ट जरूर लगाना है। ये हीटसिंक पेस्ट लगाने से क्या होता है कि हमारी आईसी की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप हीटसिंक पेस्ट लगाएं, इस पर जो हमारे पास हीटसिंक पेस्ट है इसे लगाएं। इसे लगाने के बाद क्या करेंगे कि हमारी आईसी की जो है आईसी हमारी कम हीट होगी और जो है अच्छी चलेगी। और इस प्रकार से हम आईसी अच्छी तरीके से खींचेंगे इसमें। इस प्रकार से आप आईसी को, और मैं बता दूंगा आपको एक फॉल्ट और आता है उसे भी ध्यान से आपको बता रहा हूं मैं, पहले ये आपको कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूं उसको, उस फॉल्ट को भी आपको बता दूंगा। इसमें दो ही फॉल्ट आते हैं जो कि आप लोगों को परेशान करेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखें, मैं आपको वो फॉल्ट भी अभी बताऊँगा। पहले हम इस
इन दोनों आईसी को लगा लेते हैं। आईसी के लगाने के बाद मैं आपको दोनों फॉल्ट बताऊंगा। इसे हम अच्छे तरीके से खींच लेंगे। ये हमारा पेज ढीला है। हम एक अब आईसी हमने खींच लिए हैं, अब इसे सोल्डरिंग करेंगे अच्छे तरीके से। सोल्डरिंग आपको किस प्रकार से करनी है कि आपको पेस्ट लगाना अच्छे तरीके से। पेस्ट लगाने के बाद अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करनी है। काम आपको सफाई से करना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ही काम करना है, जिससे कि कस्टमर को अच्छा काम करके देना है, जिससे कि कस्टमर बार बार आए। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। इसमें हम जो है थिनर डाल के इसे अच्छी तरीके से साफ करेंगे, जिससे कि हमारी जो है आईसी अच्छी तरीके से लग चुके। आपको थिनर का यूज जरूर करना है, जिससे कि हमारी कोई भी गंदगी नहीं रहे आईसी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल। अब हमारी आईसी बिल्कुल क्लियर देखो हो चुकी है। मैंने ये बिल्कुल पेज चूज खींच के कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद भाई लोगों में दोस्तों में ये बता रहा हूँ कि देखो अब हमारा ये इस समय होम थिएटर बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। जो पहले भड़बड़ की आवाज़ आ रही थी ऑडियो के साथ, वो भी मैं आपको अभी प्ले करके दिखा दूंगा। वो इस तरीके से बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी साउंड नहीं आ रही है, यानी साइलेंट चल रहा है। पहले साइलेंट नहीं चल रहा था, अभी देखो मैं दिखा दूंगा। देखो हमारी साउंड क्लियर हो चुकी है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो किसी भी गाने बजाने के लिए कॉपीराइट आ जाएगी, इस वजह से भाई लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा सकता आपको ये ऑडियो सुनवा के। बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है भाई लोगों। और मैं बता दूं आपको, एक फॉल्ट बता रहा था कि हमारी जो है ये जो है चलाते समय लाइट बंद हो जाती है, तो ये कमी भाई लोगों बोर्ड की नहीं होती है। और जो है इसका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट के वायर होती है हमारी सेकेंडरी के, वो वायर जो है लूज होने के वजह से जो है वो दिक्कत आती है भाई लोगों। उसको आपको क्या करना है कि उसके जो है वायर को सोल्डिंग कर देना है तार लपेट के उस पर, और फिर वो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। और भाई लोगों अगर आप कमेंट करते हैं तो वो फॉल्ट भी आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।